ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। आपकी बात चाहे पाल समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे साख समाज हो, सर्व समाज का आपकी बार समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा। सारका सिंह बघेल जो भी हैं, मैं तो नहीं जानता उनको, लेकिन यहाँ की जनता बता रही है ये बाहर की प्रत्याशी हैं, इनको मैं नहीं जानता। ये बघेल हैं कि धनकर हैं, ये क्या हैं, यहाँ की जनता उनको नकार देगी। क्या रिश्ते हैं क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बाहर की हैं ये जनता बता रही है, और ख़ासकर BSP के वोटर बता रहे हैं कि उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं, उनको वोट नहीं देंगे। जितेंद्र द्वारे यहाँ के बीच के हैं और हमारे बसपा कैडर के हैं, इसलिए हम आपको वोट देंगे। जो नीतियाँ हैं उनकी सब फेल हो गई हैं, और उन्होंने मुलायम सिंह नेताजी यादव जो यहाँ पर विकास कार्य कराए थे, उन सब जो जमीन बनाई थी उन सबको अखिलेश यादव ने चौपट कर दिया है, तो क्या ऐसा आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इनका 10 साल का कार्यकाल जनता ने देख लिया है। इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, जो भी विकास कार्य किया था वो नेताजी ने किया था, माननीय अखिलेश यादव ने किया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे मेरे साथ हैं। लगातार चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, तिथि भी आ गई है, और प्रचार किस तरह का चल रहा है जानने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र जी, समाजवादी पार्टी बसपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी से घोषित थे पहले से, क्या लग रहा है, क्या स्थिति आप अपनी देख पा रहे हैं? अब की बार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है, और यहाँ इटावा लोकसभा की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को जिताने गए। लेकिन इस समय जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जब से सारिका सिंह बघेल आई हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि जो वोट यहाँ का है, जो जिस तरह से इटावा लोकसभा की जाति समीकरण की जो स्थिति बनी हुई है, वो समाजवादी पार्टी का वोट काटने की स्थिति में है या भारतीय जनता पार्टी की काटेंगे? देखिए, मेरा नाम जितेंद्र कुमार दोहरे है, मैंने BSP में भी पहले काम किया है। BSP के जो साथी लोग, पुराने लोग हैं, हमसे सब जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर अब की बार लड़ाई है भाजपा हटाओ संविधान बचाओ की, तो संविधान बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं। हमारा खासकर समाज पूरा का पूरा अब की बार हमें वोट देगा। लेकिन जिस तरह से जो जाति समीकरण आ रहा है, उसमें जो समाजवादी पार्टी का वोटर पाल बघेल समाज का है, जिस तरह से जो दोहरे समाज का वोटर है, जो जो अनुसूचित जाति का वोटर है, अगर इन सब समीकरण की बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का वोटर जो है कितना प्रभावित करने की स्थिति में है सारिका सिंह, जो नुकसान आपको, क्योंकि पिछली बार बसपा के साथ गठबंधन में जो वोट मिला था वो समाजवादी पार्टी को मिला था, और वो तब जाकर के लगभग आपको 44% वोट मिल पाया था, लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है, ऐसे में अगर वो उसमें भी कटौती करती है तो क्या स्थिति बन रही है? देखिए, आपकी बार समीकरण अलग है। आपकी बार चाहे पाल समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे साख समाज हो, सर्व समाज का आपकी बार समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा। सारका सिंह बघेल जो भी हैं, मैं तो नहीं जानता उनको, लेकिन यहाँ की जनता बता रही है ये बाहर की प्रत्याशी हैं, इनको मैं नहीं जानता। ये बघेल हैं कि धनकर हैं, ये क्या हैं, यहाँ की जनता उनको नकार देगी। लेकिन यहाँ पर जो लखना विधानसभा से एक समय पहले घासीराम दौरे, जो यहाँ पर घासीराम विधायक थे, उनकी पौत्री बताई जाती है, उनकी नातिन है, तो कहीं ना कहीं उनका घर भी है, ननिहाल भी है, तो बाहर की बेटी कैसे? एक आदमी की रिश्तेदारी से क्या पूरा इटावा जिला समाज लोकसभा क्षेत्र उनको वोट थोड़ी दे देगा? उनके क्या रिश्ते हैं क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बाहर के हैं ये जनता बता रही है, और ख़ासकर BSP के वोटर बता रहे हैं कि उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं, उनको वोट नहीं देंगे। जितेंद्र द्वारे यहाँ के बीच के हैं और हमारे बसपा कैडर के हैं, इसलिए हम आपको वोट देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया कह रहे हैं कि इस बार जो परिस्थितियाँ हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास अब वोटर बिल्कुल नहीं बचा है, और जो नीतियां हैं उनकी सब फेल हो गई हैं, और उन्होंने मुलायम सिंह नेताजी यादव जो यहां पर विकास कार्य कराए थे, उन सब जो जमीन बनाई थी उन सबको अखिलेश यादव ने चौपट कर दिया है, तो क्या ऐसा आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इनका 10 साल का कार्यकाल जनता ने देख लिया है। इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, जो भी विकास कार्य किया था वो नेताजी ने किया था, माननीय अखिलेश यादव ने किया है। चाहे आप लॉन्च सफारी ले लो, चाहे एक्सप्रेस वे ले लो, या यहाँ के पुल ले लो, या यहाँ की सड़कें ले लो, जो भी कार्य किया है समाजवादियों ने कराया है। BJP के लोग
झूठ बोलने का काम करते हैं, उनसे विश्वास हट गया है भाजपा के लोगों से, इसलिए अब की बार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास जो मुद्दे हैं वो हम विकास और मोदी लहर, योगी लहर, और इसके साथ साथ जो यह हमारे पास गुंडागर्दी, जो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, उसके खिलाफ आज भी लोग वोट करने को तैयार। आप एक बात ये बताइए महोदय जी, गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी करती है या भाजपा करती है? भाजपा ने अभी अभी का उदाहरण देख लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल को ईडी और सीडी के तहत दबा करके उनको जेल में डाल दिया, जबकि केजरीवाल ने दो प्रदेशों में सरकार बनाई बहुत ही जल्दी, और उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी सब फ्री करके जनता के हित में कार्य किया, और ये ईडी सीडी का दबाव बना करके लोगों को फंसाने का काम करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का, समाजवादी पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके समाज का आप वोट, आपको इस समय समर्थन? हमें सर्व समाज का पहली बार वोट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने 10 साल में जो झूठ बोलने का काम किया, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने युवाओं के लिए जो वैकेंसियां निकाली जाती हैं, पूरे देश में बहुत वैकेंसियां खाली हैं हर विभाग में। इन्होंने एग्जाम दिलाते समय ये निरस्त कर देते हैं, 2 करोड़ इन्होंने नौकरी देने का जो वादा किया था, एक भी युवा नौकरी पर नहीं लगा। किसान के लिए कहा था कि आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, वो भी इन्होंने आमदनी दुगनी नहीं की। इन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे, वो भी नहीं लाए। इन्होंने कहा था हम 15-15 लाख सबके खाते में डालेंगे, अभी तक वो भी नहीं आया। तो 10 साल में इन्होंने जितने वादे किए, इनके सारे वादे खोखले हुए, इनका पर्दाफाश उठ गया है, अब इनको जनता नकार चुकी है। अब की बार समाजवादी पार्टी ही इंडिया गठबंधन जीतेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी ने तो ये कह दिया है कि 70 से अधिक यादव समाज के प्रधान ने भाजपा की सदस्यता ले ली है, क्या नहीं आपको नहीं लगता है कि ये नुकसान पहुंचाएंगे? एक बात आप ये बताइए, आप प्रधानों पर दबाव बना रहे, आप कह रहे हैं हम तुम्हारी जांच करा देंगे, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, तो ये कहाँ का कानून है? ऐसे कोई दबाव में डालने से आप जबरदस्ती उनको ज्वाइन करा ले तो उनका वोट थोड़ी उनका ले लेंगे, ऐसे जनता वोट नहीं देगी, जनता उनको नकार चुकी है। हमारे ब्लॉक क्षेत्र में कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को माला डाल के इन्होंने जबरदस्ती करके अपने साथ ले लिया, लेकिन उनका वोट एक भी नहीं मिलेगा। मेरी सभी लोगों से बात हो चुकी है, वो बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट दूंगा। मेरे साथ थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे, जिन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ जनता उनको वोट करने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना दावा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का सच होगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।